गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जून 2019 का, जो कि NTA UGC NET JRF 2020 होम साइंस का पेपर है और उसका आज पार्ट वन कुछ एक क्वेश्चंस हम आज लेके आए हैं। साथ के साथ हमारा जो है NTA का सिलेबस है, पूरा का पूरा PDF नोट्स हैं 10 के 10 यूनिट्स के, वो आप ले सकते हैं हमसे, जो आपकी हैंडी नोट्स अवेलेबल होंगे आपके फ़ोन में, या आप उसका प्रिंटआउट इजीली निकाल सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ आपके नोट्स होंगे। साथ के साथ अगर आप लोगों को स्पेशल वीडियोस चाहिए हो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा कि एग्ज़ाम आ रहा है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे टेलीग्राम पे या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं आप 3KMSFashion@gmail.com पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मैच List 1 विद List 2। सो List 1 के अंदर हमारे क्या दे रखे हैं, WHO, FAO, UNESCO, UNHCR एंड UNICEF। आगे List 2 दे रखी है, ये पूछा हुआ है कि ये वाली जो हमारी एजेंसीज हैं, ये हमारी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज क्या काम करती हैं। सो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। हम देखेंगे कि इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है। सही ऑप्शन जो है वो हमारा 3rd है, मींस आपका ए दैट इज WHO, उसका हमारा किससे रिलेट करता है, पब्लिक हेल्थ से। FAO का हमारा किससे रिलेट करता है, हमारा प्रोटेक्शन ऑफ हंगर से। देन UNESCO हमारा किस चीज़ से रिलेट करता है, हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज से। तो देखते हैं कि किस तरह से है। WHO क्या काम है, ये एक स्पेशल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्स फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए WHO एक एजेंसी है। FAO एक प्रोवाइड करती है हमारी फ्री एक्सेस, ताकि हम फूड और एग्रीकल्चर पर ध्यान दे सके। UNESCO क्या काम है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। UNHCR एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट करती है सेविंग लाइव्स एंड प्रोटेक्शन द राइट्स ऑफ रिफ्यूजी फॉर्सिबल डिसेबल्स और कम्युनिटीज़ को। और लास्ट हमारी UNICEF है, ये एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, जो एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, प्रोवाइड करती है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। इसकी वजह से हमारा आंसर क्या है, 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने List 1 to List 2 दे रखी है। List 1 के अंदर इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि हैं, इन्होंने रैंडमली यहाँ पर कोई भी इन्होंने फिगर नहीं दे रखी, कोई भी हमारी हम कह सकते हैं यूनिट्स नहीं दे रखी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मिला सकें। लेकिन इसके हिसाब से 0 to 6 मंथ में हमें कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की चाहिए होती है, जो हमारा RDA के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न एक्टिव एडल्ट मैन को, 16 to 17 ईयर ओल्ड को। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 2nd है। देखते हैं कैसे। 0 to 6 मंथ इन्फेंट को 92 एनर्जी KCL पर डे चाहिए होती है। मॉडरेट एक्टिव एडल्ट मैन इसके अंदर 35 पे लाई करता है, जिसकी पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे कि हमारे बाकी सारे मेजर्स, कई बार हमारे पेपर्स के अंदर भी हमने ये देखने को मिला है कि कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसको पर्टिकुलरली उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता, लेकिन बाकी सारे हमारे कोड्स जो हैं वो मैच करते हैं। 16 से 17 ईयर ओल्ड का जो बॉय होता है, उसके बॉडी वेट कितना होता है, 55 kg। चाइल्ड फॉर 4 to 6 ईयर्स इज हैविंग 75 मैग्नीशियम, मतलब 75 mg पर डे, एंड इन्फेंट ऑफ 6 to 12 मंथ हैव 25 mg पर डे विटामिन्स। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमारा जो कनेक्शन है, जो एक मैच द फॉलोइंग है, वो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस को, किस चीज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लर्निंग को करना है। इडगर डेल कॉल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमारा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर ही आता है। हम किस तरह से क्या करते हैं, कितना हम रिटेन कर सकते हैं, कितना हम देख के, कितना हम सुन के, कितना हम करके, कितना हम प्रेजेंट होके उस पर्टिकुलरली काम में, या डेमोस्ट्रेट करके, या फील्ड के अंदर हम कितना हम रिटेन कर सकते हैं। लेकिन उसको हमें किस में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लर्निंग में करना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4th, दैट इज DCEBAF। आइए देखते हैं। D इज़ डिज़ाइन एंड कंडक्ट कोलैबोरेटिव लेसन्स, देन C इज़
पार्टिसिपेशन इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप की, हम किसी भी काम को कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक पिरामिड शेप में आता है, जो ऊपर है वो हमारा सबसे कम रिटेन होता है। सो 10% हमें किससे मिलता है? रीडिंग से, 20 हियरिंग से, 30 जब हम किसी पिक्चर्स को देखते हैं, देन 50 जब हम क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सो वॉचिंग अ मूवी, लाइक इफ़ You are watching my video, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो आपका कितना रिटेन रहेगा? 50%। वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एग्जिबिशन, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इन इट डन एट लोकेशन, और 70% जब हम डिस्कशन करते हैं या टॉक करते हैं, और 90% जब हम उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद काम करते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्होंने क्या पूछा था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा सबसे कम कौन सा होगा? एफ, दैट इज हियर अ रेडियो, सिर्फ सुनना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हियरिंग वर्ड इज 20%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जर्नल एथिकल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू APA? APA के अकॉर्डिंग हमारे जर्नल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से है? बेनिफिशियंस एंड नॉन मेलफिशंस, पेट्रियोटिक, कन्फॉर्मिटी, क्रेडिबिलिटी, जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। इसके अकॉर्डिंग में इन्होंने हमें कोडिंग दे रखी है। करेक्ट कोडिंग हमारी सेकंड है, ADEG। आइए देखते हैं कैसे। जो जर्नल एथिकल प्रिंसिपल्स है वो हमारे कितने हैं? 5 प्रिंसिपल्स इन्होंने गिवन है। ए, बेनिफिशियस एंड नॉन मेलिसिफिशियस। बी, फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, इंटीग्रिटी। डी, जस्टिस। ई, रिस्पेक्ट फॉर पीपल राइट एंड डिग्निटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बेनिफिशियरी और नॉन फेलिशेंसी है, देन हमारा जस्टिस है, देन इंटीग्रिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इन्होंने सेकंड बताया है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स 5 है, लेकिन कई बार ये कोई एक हमें ऑप्शन कम दे देते हैं, तो सेम एज यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन 4 दे रखे हैं। हमारा यहाँ पर एफ भी आ सकता था यहाँ पर, बिकॉज इंटीग्रिटी इज ऑल्सो अ पार्ट। सो assertion and reason के अंदर question है एक, under nourished mother can successfully breastfeed, क्या जो under nourished हमारी mother होती है, under nourished mother मतलब जिसको जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारे nutrients होते हैं, वो proper amount में नहीं मिलते जितने उसको चाहिए होते हैं, क्या वो successfully breastfeed कर सकती है? and reason is quality और quantity जो होती है breastfeed की, क्या वो effect नहीं होती माल न्यूट्रिशन से? particularly इन्होंने किस चीज़ के लिए बोला है? माल न्यूट्रिशन के लिए। सो इन्होंने ऑप्शन बोला है A, R, A, करेक्ट, R, इनकरेक्ट, A, इनकरेक्ट, R, करेक्ट, A, B, करेक्ट, and A, B, इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, A करेक्ट है और R इनकरेक्ट है। किस तरह से देखते हैं, जब तक हम एक्सट्रीम माल नरिश्ड नहीं हो जाते, तो वर्चुअली ऑल मदर्स कैन प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जब तक हम बहुत सीवियर माल नरिश्ड नहीं हो जाते, तब तक सारी की सारी मदर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क करा सकती हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो मदर कैसी होती है? अंडर नरिश्ड। अगर तो ये सेफ, ईजियर और लेस एक्सपेंसिव होता है कि हम उसको क्या दें, ज़्यादा खाना दें, ताकि वो बच्चे को क्या करे, ब्रेस्ट मिल्क के जो सब्स्टिट्यूट्स, जो रिस्क हैं, उसको कम ओवरकम कर सके। सो ए हमारा करेक्ट है, लेकिन जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो नॉट इफेक्ट नहीं होती, वो इफेक्ट करती है, बिकॉज इट सीम्स दैट अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन, अगर हमारी मदर के अंदर कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है हमारी ब्रेस्ट मिल्क की, उसको कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर इन ड्रॉइंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस वाइल टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस, कि टाइप 1 एरर बताना है नल हाइपोथेसिस के अंदर। रिजेक्ट होता है हमारा जब वो ट्रू हो, एक्सेप्ट होता है जब फॉल्स हो, एक्सेप्ट होता है जब ट्रू हो, या फिर रिजेक्ट होता है जब फॉल्स हो। सो हमारा क्या है यहाँ पर? फर्स्ट है। क्यों? इट इज द रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, इट इज अ रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। और इसको और क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग और कंक्लूजन, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग या कंक्लूजन। सेम आपका टाइप 1 एरर आता है, ऐसे ही आप टाइप 2 एरर भी करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन क्रिएट शेप्स रिप्रेजेंटिंग यूनिटी और वेराइटी। शेप हमारी शेप्स यूनिटी और वेराइटी कौन सी हमारी लाइन्स शो करती है? डायगनल लाइन्स, जिगजैग लाइन, ट्रांजिशनल लाइन या कंट्रास्टिंग लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज ट्रांजिशनल लाइन, क्योंकि डायगनल लाइन्स मूव करती है आई इन द डायरेक्शन और इंडिकेट करती है मूवमेंट को और
फ्लूडिटी को। जिगजैग लाइन हमारी क्या करती है, सीरीज ऑफ डायगोनल लाइंस ज्वाइन करती है एंड में और कन्वे करती है एक्शन और एक्साइटमेंट को, मतलब रेस्टलेसनेस और एंजाइटी को। ऑन द अदर हैंड ट्रांजिशनल लाइंस जो हैं वो कर्व लाइंस आती होती हैं हमारी, और वो ब्लैंड और सॉफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को करती है, वही हमारी यूनिटी और वैरायटी को भी डिपिक्ट करती है। और कंट्रास्टिंग लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है जो 90 डिग्री एंगल पे मीट करती है और एक हार्ड एज बनाती है। सो इसलिए हमारा आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबलेट लॉरिएट मोहम्मद यूनुस इज एक्सक्लेम्ड फॉर हिज वर्क ऑन, किस पे उन्होंने काम किया था, कॉर्पोरेटिव्स, डेयरी डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी या माइक्रो क्रेडिट। सो आंसर इज फोर्थ, दैट इज माइक्रो क्रेडिट। कैसे है, जो मोहम्मद यूनुस थे वो बॉर्न हुए थे 28 जून 1940 को बांग्लादेश, सोशल एंटरप्रेन्योर थे, बैंकर थे, इकोनॉमिक्स थे और सिविल सोसाइटी लीडर थे, जिनको नोबल प्राइज, नोबल पीस प्राइज इवन दो दिया गया था, किस चीज़ के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए। और पायनियरिंग थी उनकी किस में, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर। हॉलमार्क सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड बाय, ये आपको स्टैंडर्ड्स करने ही करने हैं आपके फूड्स के अंदर, आपके क्लोदिंग के अंदर, दोनों के अंदर, इसको जो आपका टेक्सटाइल्स है उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, BIS, ISO, ISI एंड B, दैट इज हम इन्होंने हमसे पूछा हॉलमार्क सर्टिफिकेट किसके द्वारा अवॉर्ड किया जाता है। सो आंसर इज टू, ISO के द्वारा किया जाता है। इनकी हमें फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। BIS इज ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISI इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड B इज फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एन आइडल क्वालिटी फैट फॉर गुड हेल्थ इज द वन विच मेंटेन N/N6/N3 रेशियो ऑफ। तो एक आइडल जो क्वालिटी फैट होता है, गुड हेल्थ का फैट होता है, वो कैसे मेंटेन होता है, 5:10, 10:12, 0.8:1 और 2:3। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर फर्स्ट, दैट इज 5:10। जैसे जो जर्मन सोसाइटी है न्यूट्रिशन की, दैट इज DGE, उसने रिकमेंड किया है कि फैट कितना होना चाहिए, नो मोर देन 25-30% किसी भी इंडिविजुअल डेली एनर्जी इनटेक में, जो SFA लिमिटेड है टू बिलो 10%। सो बिलो 10% कितना आएगा हमारा, 5-10%। और N/N3 रेशियो जो है वो कॉमनली यूज होती है एज एन इंडेक्स टू इवेल्यूएट द न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो हमारी फैट की न्यूट्रिशनल वैल्यू है ह्यूमन हेल्थ में, उसको बताने के लिए हम N/N3 रेशियो को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल वुड लाइक टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, एक कपल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, SARA, CDCCW, CARA और SAA। सो हमें किसमें करानी पड़ेगी, CARA में। क्यों, इन सबके बारे में जानते हैं। SARA क्या है, ये स्टेट अडॉप्शन, क्योंकि ये सारी अडॉप्शन से ही रिलेट करती है, तो इसीलिए ये NTA हमें ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देता है। ये स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, अंडर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी टू एक्ट एज एन नोडल बॉडी विद इन द स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेट। इसको वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और डेवलप करते हैं वर्क ऑफ एडॉप्शन का और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर का। ठीक है, DCCW क्या है, दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये प्रोवाइड करती है होम लॉस्ट और अबंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, मेडिकल केयर उसको देती है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स देती है, वोकेशनल और फैसिलिटेटिंग एजुकेशन देती है। देन CARA क्या है, ये हमारी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताती है एडॉप्टिव पेरेंट्स को। ठीक है, तो एडॉप्टिव पेरेंट्स को बताती है तभी तो हम रजिस्टर कर पाएंगे ऑनलाइन। और SAA स्पेशलाइज एडॉप्टिंग एजेंसी दैट फैसिलिटेट्स एडॉप्शन। सो आप इन चारों को भी अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कसूती स्टिच, ये हमारी किसका है, एम्ब्रॉयडरी का स्टिच है, कौन सी नहीं है, गवांती, पांडा, मेंथी या मुरगई। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज पांडा, बिकॉज कसूती एक ट्रेडिशनल फॉक ऑफ फॉर्म है, फॉक एम्ब्रॉयडरी की, जिसको हम कर्नाटका में करते हैं इंडिया में। और कसूती किससे इन्वॉल्व करती है, चार स्टिचेस, मेंथी, गवांती, नेगी एंड मुरगई। मेथी का मतलब क्या होता है, क्रॉस स्टिचिंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर भी ये क्वेश्चन आते हैं
कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हमारा क्या पूछा होता है कि मेंथी हमारा क्रॉस स्टिचिंग किसको कहते हैं, गवांती डबल रनिंग स्टिच होता है, नेगई हमारा सिंपल रनिंग स्टिच होता है और मुरगई हमारा जिगजैग स्टिच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोक मीडिया। फोक मीडिया कौन सा होता है, हमारा जो ट्रेडिशनली मीडिया चला आ रहा है, जो पहले जमाने में होता था, जहां पर हमारा रेडियो नहीं होता था अगर, या फिर हमारा क्या नहीं होता था, हमारा ये मूवीज या ऐसा सब चीजें नहीं होती थी, तब क्या होता था, तब फोक मीडिया आर इंडिजिनियस इक्विवेलेंट ऑफ मास मीडिया। फोक मीडिया इंक्लूड प्ले, डांस एंड सॉन्ग। फोक मीडिया आर यूज्ड प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। फोक मीडिया आर यूज्ड ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। हम जानते हैं कि फेयर्स और फेस्टिवल्स के अंदर उसको बिल्कुल यूज करते थे, उसको हम एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज करते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया, प्योरली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, नहीं। और क्या हमारे फोक मीडिया में, येस हमारे फोक मीडिया में डांस प्लेस और सॉन्ग्स यूज किए जाते थे। सो फोक मीडिया क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोक मीडिया को हम प्योरली किसके लिए यूज करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए करते थे, और वो मास मीडिया के इक्विवेलेंट है, ऐसा इक्विवेलेंट होता था, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने बोले नॉट ट्रू अबाउट फोक मीडिया, तो हमने क्या बोला कि वो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते थे, तो किस चीज़ के लिए करते थे, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते थे। जैसे फोक मीडिया क्या रेफर करता है, ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें साउंड, इमेज, साइन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें बताई जाती थी, उसके अंदर वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल म्यूजिक, ड्रामा, डांस और पपेट्री करते थे, जिसके अंदर वो क्या करते थे, फोक मीडिया को स्पेशली प्रोजेक्ट करते थे मास मीडिया पे। तो आपका फर्स्ट क्लियर हो जाता है। और ऐसा हमारा डेवलप होता था किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये हमारा क्या है, सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट नहीं था, क्योंकि वो आपको नॉलेज भी देते थे और वो मैसेज देते थे, है ना, किस चीज़ के लिए, जैसे आपका कोई भी इशू आ गया, आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, मान लो भूखा पड़ गया, अकाल आ गया, या कोई भी महामारी चल गई, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर देते थे, न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर प्रोजेक्टेड थ्रू द फोक मीडिया। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक इन द सीक्वेंस। हमेशा से बोलती हूँ कि आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरूर आता है हर बार, सो आपको सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक साथ लिख लेना है। सो स्कवरिंग, डिसाइजिंग, टेंटरिंग, ब्लीचिंग, कलेंडरिंग, सिंजिंग एंड मर्सराइजिंग, इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर सेकेंड। देखते हैं कैसे, सबसे पहले आपका सिंजिंग आता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम दोनों यान या फिर फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा इवन सरफेस आए और हमारे बर्न हो जाए क्या, जो प्रोजेक्टेड जो बाहर हेयरिनेस है, जो हमारी यान के एंड्स हैं, जो आप रेशियो ऊपर सरफेस ऑफ द फैब्रिक पे उठे देखते हैं, उनको बर्न कर देते हैं। डिसाइजिंग क्या है, ये इसमें हम साइजिंग एजेंट को, साइजिंग मटीरियल को, जो स्टार्च हमने वॉर्प थ्रेड पे दिया होता है, क्यों देते हैं हम स्टार्च को वॉर्प थ्रेड पे, ताकि हमारा जब वीविंग हो रही हो तब हमारी टेंशन के कारण, फ्रिक्शन के कारण धागे टूट ना जाए। स्कवरिंग क्या होता है, जब हम वैक्स को रिमूव करते हैं, पैक्टिन्स को रिमूव करते हैं अपने, और अपने किसको, मटेरियल को क्या बनाते हैं, वाटर एब्जॉर्बेंट। ब्लीचिंग हमारा सेकंड ट्रीटमेंट होता है किसका, आफ्टर हमारा स्कवरिंग। ये एक वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग प्रोसेस के अंदर हम उसका जो कलर है उसको वाइट करते हैं। मर्सराइजेशन एक केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कॉटन फाइबर्स या फैब्रिक को परमानेंटली ग्रेट एफिनिटी ऑफ डाई के लिए और वेरियस केमिकल्स को अप्लाई किया जाता है। टेंटरिंग सेट होता है वॉप और वेफ्ट का, वोवन फैब्रिक पे राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे होता है और उसको स्ट्रेच कर देते हैं। ये हमारा फाइनल डायमेंशन दी जाती है टेंटरिंग की, मतलब फाइनल स्ट्रेच दी जाती है हमारे फ्रेम के ऊपर लगाने के लिए। नेक्स्ट कैलेंडरिंग क्या है, ये एक फिनिश्ड प्रोसेस है जिसको हम कोट करते हैं या फिर हम स्मूथ थिन लेयर चढ़ाते हैं, किसके लिए, फैब्रिक को पास करते हैं कैलेंडर रोलर्स एट हाई टेम्परेचर के लिए, ये भी हमारा एक फिनिशिंग प्रोसेस है। सो ये हमारा क्या है, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये प्रिपरेशन के अंदर भी आता है, प्रिपरेशन है ये, प्रिपेयर करने के लिए है। अरेंज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द फॉलोइंग फूड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पॉपकॉर्न, ऑरेंज, बार्ले, होल व्हीट ब्रेड एंड मिल्क दैट इज फुल फैट। सो हमारी कंपोजिशन क्या रहेगी, सबसे पहले थर्ड इज ऑप्शन है हमारा करेक्ट, दैट इज बार्ले 28 प्लस एंड माइनस 2, मिल्क फुल फैट 39, ऑरेंज 43, देन एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न का कितना होता है 55 एंड होल व्हीट ब्रेड का 74। सो ये हमारी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
कम से लेके ज़्यादा तक होते हुए हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऑर्डर्स हैं हमारे इन पर्टिकुलर फूड्स के अकॉर्डिंग। सो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस, हमारे जून 2019 के क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे। आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक्स को समझना है, जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, जो क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इसको कंप्लीट करना। हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम पे, हमें मेल कीजिए अपनी क्वेरीज और प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट हो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।